हमारे साथ है डॉक्टर कुमार सप्तर्षि, जो सालों से एक जन आंदोलन चला रहे हैं यूक्रेन। कुमार जी, ये इलेक्शन जो 2019 का आ रहा है उसको लेकर कुछ चंद सवाल आपसे है। ये इलेक्शन आपको क्यों लगता है महत्व का? ये शायद टर्निंग पॉइंट है। जैसे इमरजेंसी के समय था 42 years ago, वैसे टर्निंग पॉइंट है। क्या देश पीछे जाएगा संविधान के भूतकाल में, क्योंकि वी हैव अ मच बर्डन, भूतकाल का बहुत बर्डन है हमारे इसमें। तो वो फ्रीडम के बाद संविधान आया तो कोडिफिकेशन हुआ कि हमें नहीं चाहिए और ये चाहिए, और दैट और वही नेशन बिल्डिंग का प्रोग्राम बन गया। तो उसको कैंसिल करेंगे, पीछे जाएंगे, या जो नेशन बिल्डिंग का प्रोग्राम है वो आगे के जनरेशन में ट्रांसफर होगा, इसका जवाब ये चुनाव देने वाला है। ये जो एक गलत तरीके का बहुसंख्यक राष्ट्रवाद जो थोपने की कोशिश है, इसका कितनी सफलता हुई है? अभी उसको स्टेट पावर से अगर अलग कर दिया तो उसके पास बाकी मशीनरी नहीं है। पहले कास्ट हायरार्की और बहुत कथाकार पुराण वाले वो लोगों का प्रबोधन करते थे गलत ढंग से, स्वर्ग है, नरक है, पिछला जन्म है, आगे का जन्म है, वगैरह वगैरह। तो उसका असर खत्म हो गया था, लेकिन उनके हाथ में स्टेट पावर आई, तो थ्रू स्टेट पावर वो कुछ मैनिपुलेशन कर सकते। जैसा कि ये जो अपना अयोध्या का राम मंदिर है ना, वो उन्हें अयोध्या का जेरूसलम बनाना है। जेरूसलम में जो था कि एक मजहब आया, उसका प्रार्थना मंदिर दूसरे मजहब ने ख़त्म किया, तो ये जेरूसलम स्टाइल का हमेशा देश के लिए एक इंजुरी की जगह रहेगी। जेरूसलम में 2000 वर्षों से जुदाइज्म गया, क्रिश्चियनिटी आई, इस्लाम आया, तो वो एक गांव है, उसके तीन देश हो गए, जॉर्डन, सीरिया, इजराइल, और वो अब तक 2000 वर्षों तक ब्लीडिंग है, वो खून बह रहा है। तो वही अयोध्या के नाम से वो पूरा अपने देश में खून बहाने का खून बहाने की आदत लग जाए। मुद्दे ये इलेक्शन के लिए क्या होने चाहिए देश के साथ, अहम मुद्दे कौन से होने चाहिए जब हम नागरिक की तरफ से लोगों का? देखो, पंत प्रधान के जो पांच प्रमुख ड्यूटीज होती है, उनके कर्तव्य होते हैं, वो सभी में वो फेल है। इकोनॉमी फेल है, लॉ एंड ऑर्डर में फेल है, संविधान को बचाना उसको फेल है, और युद्ध के बारे में ऐसा है कॉन्स्टिट्यूशन का कि पीएम का काम है अपने नेबरिंग कंट्री जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिलोन, मालदीव वगैरह, तो हम बिग ब्रदर जैसे उनसे ये वर्तन करके उनको बहुत सुरक्षित रखना है, तभी आप देश की सुरक्षा कर सकते। अभी नेपाल में चाइना आया, क्यों? हेट्रेड ऑफ मोदी एंड हेट्रेड ऑफ भारत। पाकिस्तान में चीन घुसा है, श्रीलंका में चीन घुसा है, तो क्या आपकी परराष्ट्र नीति? और आप बाहर गए तो कौन सा देश आपका मित्र बन गया? ये सवाल पूछने का है। बाहर जाके वो एनआरए की मीटिंग दे रहा था और ये वीडियो बना के हम लोगों को दिखा रहा था मोदी। आपको लगता है कि उम्मीद है अभी भी ये इलेक्शन से? मोदी इसमें कम हो जाएगा, और पोस्ट पोल अलायंस होगा, लेकिन बीच में एक महीना बहुत अराजक जैसे परिस्थिति होगी, क्योंकि राष्ट्रपति उनको एक महीना देगा विश्वासदर्शक ठहराव के लिए, और वो गठबंधन को तोड़ेंगे, पैसा बहाएंगे, धमकियाँ देंगे, सब कुछ होगा, लेकिन उसके बाद पोस्टपोल अलायंस होगा और मोदी जाएगा, यानी भाजपा कराया जाएगा। ये मैं चित्र देख रहा हूँ। शुक्रिया बहुत।